भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच बने रमेश पुवार। क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के 3 सदस्यीय टीम ने इनकी नियुक्ति की। तो दोस्तों, रमेश पुवार को 3 सदस्यीय टीम के द्वारा भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में नियुक्ति किया गया है। रमेश पुवार WB रमन का स्थान लेंगे, जो इनसे पहले महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच थे, तो ये WB रमन का स्थान लेंगे। तो दोस्तों, रमेश पुवार के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति की गई है सीनियर महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में, तो इसके बारे में जानकारी को देखते हैं। और यह करंट अफेयर्स से है, तो आपको यह जानकारी भी ध्यान रखना है, हो सकता है आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं रमेश पुवार के बारे में। तो ऑफ स्पिनर रमेश पुवार का पूरा नाम रमेश राजाराम पुवार है और इनका जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। तो दोस्तों, ये एक ऑफ स्पिनर हैं और इनका पूरा नाम है रमेश राजाराम पुवार और इनका जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। रमेश पुवार भारत के लिए 2 टेस्ट मैच और 31 वनडे मैच खेल चुके हैं। तो दोस्तों, रमेश पुवार भारत के लिए 2 टेस्ट यानी कि 2 टेस्ट और 31 वनडे मैच खेल चुके हैं। तो अभी इनकी नियुक्ति भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में किया गया है, तो ये आपको जानकारी ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए।